नमस्कार, न्यूज 30 लाइव में आपका स्वागत है। दिन ब दिन कोरोना महामारी का संक्रमण फैलते जा रहा है, जिससे लोगों में संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है और लोगों के मन में भय बना हुआ है। ऐसे ही हालात पेंड्रा जिले से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम कोटमी और ग्राम सकोला में देखने को मिला, जहाँ कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए साप्ताहिक बाजार को पूरी तरह बंद रखने का फैसला लिया गया है। यह फैसला पंच, सरपंच, ग्रामीण व व्यापारियों की आपसी सहमति से लिया गया है। संक्रमण को देखते हुए ग्राम कोटमी और ग्राम सकोला के बाजार को अस्थायी रूप से बंद रखा गया है। ग्राम के सरपंच द्वारा बताया गया है कि इसकी सूचना पुलिस थाने में दिया गया है और ग्रामीण व्यापारियों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। कोरोना से निपटने के लिए ग्राम कोटमी और ग्राम सकोला द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। बाजार बंद किया गया है यहाँ पास मंगलवार कोटमी में। कैसे बंद किया गया इसको? हमारा समीपस्थ नगर पंचायत है पेंड्रा, यहाँ से 14 किलोमीटर। जी सर। वहाँ 50 लोग संक्रमित निकले हुए हैं जी, और यहाँ साप्ताहिक बाजार कोटमी का लगता है। इसमें बहुत संख्या में पेंड्रा के व्यापारी आते हैं जी, और हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ के लोग भी उनकी वजह से संक्रमित हों जी, क्योंकि ऑलरेडी पेंड्रा में लॉकडाउन चल रहा है 7 दिन का जी। पेंड्रा वाले व्यापारी लोग आपसी सहमति से 7 दिन बंद रखे हैं वो लोग जी सर। तो क्योंकि वो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किए हैं, तो अपनी सुरक्षा करने का हक तो हमको भी है जी, जी। अपने लोगों की चिंता हम भी कर सकते हैं और वही कर रहे हैं जी। तो सर, इसमें हमारे गांव के सभी व्यापारियों का हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है, व्यापारियों का क्या, ग्रामवासियों का भी सहयोग मिल रहा है जी सर। आसपास के गाँव वालों को भी हमको सहयोग मिल रहा है, और आप देख ही रहे हैं पूर्णतः कोटमी बंद है जी सर। एक दो ऐसे लोग हैं जो जिनको जानकारी नहीं थी जी, तो उनको समझाया जा रहा है, वो लोग भी सब सहयोग कर रहे हैं जी सर। और बाजार भी नहीं लगा हुआ है सर। ये लॉकडाउन यहाँ जो बाजार बंद किया है, कितने दिन लिए रहेगा सर यहाँ पर बाजार? अभी ये तो परिस्थिति के ऊपर है, अभी तो फिलहाल ये सप्ताह तो बंद रहेगा। हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दे दिया है जी, जब तक इस तरह की परिस्थिति रहेगी तो अस्थायी रूप से मैंने अपन बंद का निर्णय लिया है, और उनको उनसे सहयोग की अपेक्षा भी की है पुलिस प्रशासन को, तो उनका सहयोग मिल रहा है हालांकि हमको जी। और हम तो जो व्यापारी भाई हैं जो बाहर से आते हैं, हम कोई उनके दुश्मन नहीं हैं, ना ही हम उनका कोई नुकसान चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो भी सुरक्षित रहें और हम भी सुरक्षित रहें। रही सवाल परेशानी की थोड़ी बहुत, तो परेशान तो पूरा विश्व है, वो तो है, पूरा हिंदुस्तान है, पूरा विश्व परेशान है। तो अपनी जान की सुरक्षा के लिए तो भाई आप हमको सबको हर चीज़ का पालन करना चाहिए। मैं तो कहूँगा हर किसी को मास्क लगा के, दूरी बना के सारा चीज़ करें जी। ऐसा है, कोविड-19 की खतरनाक महामारी को देखते हुए जी, और जिस तरह हमारे आसपास के गाँव में और शहरों में जी जी संक्रमित लोग संख्या बढ़ते जा रही है जी सर, इस वजह से हम लोगों ने ये निर्णय लिया, समस्त ग्रामवासी और व्यापारी संघ के लोगों ने जी सर, कि हमारा जो कोटमी बाज़ार साप्ताहिक है वो आसपास में सबसे बड़ा बाज़ार है जी सर, और बहुत दूर दूर के लोग यहाँ बाज़ार करने के लिए आते हैं। मनेनगढ़ है, शहडोल है, जबलपुर है जी सर, बिलासपुर है, चिरमिरी है, सब जगह से व्यापारी आते हैं जी। तो यहाँ महामारी ना फैले इस चीज़ को देखते हुए अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए बाज़ार को बंद रखा जाए, ऐसा निर्णय लिया।